हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट कैंडिडेट्स ने डिफरेंट पोस्टों के लिए अप्लाई किया है बाबा फ्री यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम तो यह है कि आपकी जो कैटेगरी है वो शो नहीं हो रही है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर रहे हैं किए की हो रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी वहाँ पर कैटेगरी और जो डिफरेंट डिटेल्स हैं हम उसको एडिट नहीं कर पा रहे। तो उसका मैं सबसे पहले तो आपको इस वीडियो में सोल्यूशन बताऊँगा, और सेकेंड जो सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने 31 अगस्त को अपना जो फॉर्म है अप्लाई किया था, जो कि लास्ट डेट थी, लेकिन उनका जो फॉर्म कि उन्होंने फ़ीस पे की है ऑनलाइन, वो अभी तक फ़ीस अप्रूव नहीं हुई है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ सबसे पहले प्रूफ बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट की डिटेल ही नहीं शो हो रही, यहाँ पर जस्ट मैंने लॉग इन किया है, यहाँ पर एरर मैसेज शो हो रहा है, यू हैव नॉट पेड योर एप्लीकेशन फ़ी, काइंडली पे योर एप्लीकेशन फ़ी टू सबमिट योर फॉर्म। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये देखिए इन्होंने फीस पे कर दी है लेकिन यहाँ पर इनकी फीस पे नहीं हुई है। ये थर्ड फॉर्म है, इनकी भी फीस नहीं फॉर्म यहाँ पर फॉर्म की फिल हुई है, एंड दिस वन इज़ द नेक्स्ट फॉर्म। तो इन सभी का सलूशन क्या है, कैसे हम अपनी जो फीस है कंफर्म करवाएंगे, और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म लॉक हो गए हैं आप उनमें अगर आप कोरेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। विदाउट कोरेक्शन ही मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के फॉर्म हैं जो लॉक हो चुके हैं आफ्टर लास्ट डेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, मैं सबसे पहले यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि उनकी जो फीस है वो कंफर्म नहीं हो रही। तो उन्होंने लास्ट डेट को ये फॉर्म अप्लाई किया था, तो लेकिन उन्होंने विद इन जो डेट थी उसी में फिल किया था, लेकिन उनकी फीस अप्रूव होनी चाहिए, जबकि जो फीस है मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर अपडेट हो जाती है। मैक्सिमम 72 आवर्स का टाइम होता है, लेकिन मिनिमम 24 आवर्स के अंदर ही फीस अपडेट हो जाती है। जितने मैंने फॉर्म्स फिल किए हैं उनकी जो फीस है मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग 12 आवर्स के बाद अपडेट हो गई है, बिकॉज ऑनलाइन काम होता है, सब कुछ साथ के साथ ही हो जाता है। तब वो क्या करेंगे कैंडिडेट जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वेबसाइट में अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और यहाँ कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए फिलहाल यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं जो कभी ये उठाते नहीं हैं, जस्ट नाम के ही ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। मैंने पता नहीं इनको कितनी बार कॉल किया है, सो आप इसको ट्राई मत ही करना, करके देखना तो एक बार कर लीजिए। फिलहाल फ़ोन वगैरह तो नहीं उठाते, आई डोंट नो क्यों नहीं उठाते, नंबर तो जस्ट नेम के लिए दिए गए हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो मेथड है वे टू कंफर्म फ़ी, ये फिलहाल बैकेंड है, बैकेंड की मेल है जो डिपार्टमेंट फ़ी वगैरह कंफर्म करता है, तो आप उनको मेल करिए। मेल में अब आपने क्या करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जान लीजिए। आपने सबसे पहले ये जो सामने आपके फॉर्म ओपन है दिस वन, इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। अगर फ़ोन पे कर रहे हैं फ़ोन से स्नैपशॉट ले लीजिए, कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। विंडो और प्रिंट स्क्रीन स्नैपशॉट का शॉर्टकट होता है, आपके सामने मैंने लिया, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा, जो आपकी फ़ीस वाली जो स्लिप थी जनरेट हुई थी जब आप ये फ़ीस पे की थी, सेकेंड थिंग वो, और थर्ड अपना जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो, आपने ये तीनों चीज़ें, दो चीज़ें आपने मेल में अटैच कर देनी है, आपका ये फॉर्म का स्नैपशॉट, उसके बाद फीड शिफ्ट का जो स्नैपशॉट है फोटो है, और थर्ड वन जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने मेल में अटैच कर देना, और मेल आईडी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आप अपनी मेल कर दीजिए। इनको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज़ हिंदी पंजाबी और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज रीड कर लेते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। आप तीनों में मेल कर सकते हैं कि सर हमने ये फ़ीस वगैरह पे की थी इतनी डेट को, बट अभी तक फ़ीस कन्फर्म नहीं हुई तो हमारा फॉर्म अभी इनवैलिड शो कर रहा है, यहाँ पर एरर मैसेज शो कर रहा है, तो प्लीज़ उसका जो सोल्यूशन है एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें प्रोवाइड करिए। काफ़ी टाइम से हम कॉल भी कर रहे हैं, कॉल वगैरह तो चलिए आप उठाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपको काम होते हैं, तो फिलहाल हमारा ये सोल्यूशन करिए। तो आपको आजकल तो आपको वैसे ही पता है कामकार है ही नहीं है, तो पैसे कैसे बनते हैं आप सभी को पता है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर उनको मेल करें, कॉन्टैक्ट वाली ज़रूर इनको बात उसमें लिखिएगा, सर फ़ोन वगैरह भी पिक कर लिया करिए। अगर कोई पर्सन को कोई क्यूरी होती है तभी फ़ोन करता है, कोई यहाँ पर फ्री नहीं बैठा जो आपको कॉल करता रहता है। तो यहाँ देखिए, चलिए यहाँ तो आपके फॉर्म की फ़ीस अपडेट नहीं हो, यहाँ देखिए कैंडिडेट की प्रॉब्लम, यहाँ पर उसकी कोई डिटेल ही नहीं शो हो रहा, जबकि यहाँ पर लॉगिन हो गया है, और एरर मैसेज देखिए क्या यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट, जो कैंडिडेट्स की फीस वगैरह नहीं कंफर्म हो रही थी, उन्होंने लास्ट डेट को अप्लाई किया था, उसका सोल्यूशन इसको करके देखिए सोल्यूशन आपका हो जाएगा, नहीं होता यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपके जो फॉर्म ऑटोमेटिक लॉक हो गए हैं और उनमें आप कोरेक्शन वगैरह नहीं कर पा रहे, काफ़ियों की तो कैटेगरी ही नहीं शो हो रही, लाइक एससी या बीसी या जनरल है, देन सो ऑन, कोई आपकी अदर कैटेगरी है, तो उसके लिए भी सेम आप ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको, उसमें सेम अपनी क्यूरी लिख दीजिए, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपनी ईमेल में अटैच कर दीजिए। मैंने देखा, मैंने भी कुछ फॉर्म्स लॉगिन किए थे, विदाउट कोरेक्शन सारे फॉर्म ऑटोमेटिक लॉक हो गए हैं,
करेक्शन तो वैसे करेक्शन का टाइम मिलता है लेकिन इनका कोई भी अपडेट नहीं है करेक्शन का। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर, सो इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं सबसे पहले इसको लॉग आउट ही कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट थी इन्होंने रिमूव कर दी है, तो एक पर्टिकुलर आपको करेक्शन का टाइम मिलता है। कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं, नॉट ओनली दिस यूनिवर्सिटी, कोई भी आप हायर से हायर फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपको करेक्शन टाइम दिया जाता है। जैसे अभी यूजीसी नेट के जो फॉर्म्स आपने फिल किए हैं सीएसआर के लिए और यूजीसी नेट के लिए, उसकी भी अभी करेक्शन चल रही है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की, आप देख सकते हैं करेक्शन वगैरह कैसे करते हैं। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, उनको मेल कर देंगे, मेल में अपना एप्लीकेशन नंबर अटैच कर देंगे और उसमें जो जो आपको प्रॉब्लम्स है वो उसमें लिख के आप बता दीजिए कि सर चलिए करेक्शन वगैरह तो बात की बात है बट हमारी ये कैटेगरी ही नहीं शो कर रहा। तो वैसे तो फॉर्म आपका वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर में सारा आपका रिकॉर्ड सेव होता है, बट आप फिर भी एक बार उनको मेल कर दीजिए और मेल की एक कॉपी आप अपने फ़ोन में स्नैपशॉट रख लीजिए, बिकॉज अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो आप उनको बता सकते हैं कि सर हमने आपको मेल की थी लेकिन आपका कोई भी हमें रेजोल्यूशन सोल्यूशन नहीं आया था। सो फ्रेंड्स, ये थी जो दो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स फेस कर रहे थे, तो इनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, करके देखिए। अगर इनका सोल्यूशन नहीं होता तो आप अगेन कमेंट कर सकते हैं और साथ के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज़ ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम यहाँ पर शेयर की हैं ये किसी सिंगल कैंडिडेट की नहीं है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को आ रही हैं, सो डैट उनको भी इन पर्टिकुलर मेथड का पता लग सके कि ये जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है कैसे होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैलेबल टाइम।